28 तारीख को मैं 12:30 बजे से उस प्रोटेस्ट पे बैठ रही हूँ, या फैसला बहुजन समाज करेगा, या वो वहां रहेंगी, या आपको अपनी बहुजन बच्ची चाहिए, ये फैसला मेरा समाज करेगा। 7 दिन होगा, देखना होगा जीवित तो आ जाइएगा, अगर फोटो में देखना होगा तो वो आप बता दीजिएगा, क्योंकि हमारा समाज ना 13वीं पे आता है। प्रोफेसर रतनलाल ने, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज इसको दिखाइएगा, कि प्रोफेसर रतनलाल ने जब यूनिवर्सिटी को लिखा कि मेरा प्रोफेसरशिप क्यों रोका गया है, मैं कहाँ एलिजिबल हूँ उस प्रोफेसरशिप के लिए, आप मुझे मेरे को प्रोफेसर बनने दीजिए, तो यूनिवर्सिटी आगे से रिप्लाई करती है रतनलाल सर को कि आपको इसलिए नहीं हम कर रहे प्रमोट क्योंकि आपके ऊपर FIR है और आपका केस पेंडिंग है। और दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सविता रॉय, जिनके ऊपर मैं चार्जशीट तक जमा हो चुकी है, मेरे केस में FIR SC ST के अंदर हुआ और चार्जशीट तक जमा है कोर्ट में, तो उसको अभी तक आपने वहाँ बिठाए रखा है, वो वहाँ वहाँ है और हम बाहर हैं। और क्यों? क्योंकि ये जो जाती है ये कभी नहीं जाती, नौकरी नहीं अब न्याय चाहिए, और उस न्याय के लिए लड़ते लड़ते अब सबर की जो हद है वो पार हो चुकी है। इसलिए आप सबके सामने है, निर्दोष यहाँ खड़ा है, नौकरी से बाहर है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो आरोपी है, जो क्रिमिनल है, वो कुर्सी पे बैठी है। अगर तो आप चाहते हैं कि पायल तडवी, रोहित वेमुला और पोस्टर पे अगला चेहरा मेरा देखना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी, आप घर बैठ के देखिए, और अगर आप नहीं देखना चाहते तो मेरे साथ उस आंदोलन पे आइए। आप सबका शुक्रिया। मैं आप मीडिया कर्मी, जितने भी यहाँ मीडिया पर्सन आए हैं, मैं आप सबको ये चीज़ कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से जो भी दर्शक ये चीज़ देख रहे हों, आप मेरे को आज यहाँ देख लीजिए, पता नहीं इस आंदोलन के चलते आप दोबारा देख पाएँ या ना देख पाएँ। अगर तो आप चाहते हैं कि पायल तडवी, रोहित वेमुला और पोस्टर पे अगला चेहरा मेरा देखना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी, आप घर बैठ के देखिए, और अगर आप नहीं देखना चाहते तो मेरे साथ उस आंदोलन पे आइए, क्योंकि मैं समाज के सम्मान की और आत्म सम्मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है मैं लड़ रही हूँ। मैं जीवित होके मैंने मिसाल दे दी है, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है। एक ही निर्णय लिया था कि नौकरी नहीं, अब न्याय चाहिए, और उस न्याय के लिए लड़ते लड़ते अब सबर की जो हद है वो पार हो चुकी है। इसलिए आप सबके सामने है, निर्दोष यहाँ खड़ा है, नौकरी से बाहर है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो आरोपी है, जो क्रिमिनल है, वो कुर्सी पे बैठी है, आपके सामने है। तो ये दो किस्म की प्रक्रियाएं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो रही हैं, आप मेरे साथ एक एग्जांपल प्रोफेसर रतनलाल का भी ले लीजिए, सीनियर प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय में, आप सबको उनका केस पता होगा। क्यों दे रही हूँ उनकी एग्जाम्पल, क्यों ज़रूरी है, कि अगर आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखो तो उनसे पढ़ा लिखा प्रोफेसर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई नजर नहीं आएगा। प्राचा सर बार बार ये चीज़ कहते हैं कि अगर SC ST का प्रोफेसर है इतना ही काफ़ी है, उसकी काबिलियत हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम दावे से ये चीज़ कहते हैं कि वो 100% काबिल होगा, इसीलिए कलमवीर का अंगूठा काटा जाता है। प्रोफेसर रतनलाल ने, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्लीज़ इसको दिखाइएगा, कि प्रोफेसर रतनलाल ने जब यूनिवर्सिटी को लिखा कि मेरा प्रोफेसरशिप क्यों रोका गया है, मैं कहाँ एलिजिबल हूँ उस प्रोफेसरशिप के लिए, आप मुझे मेरे को प्रोफेसर बनने दीजिए, तो यूनिवर्सिटी आगे से रिप्लाई करती है रतनलाल सर को कि आपको इसलिए नहीं हम कर रहे प्रमोट क्योंकि आपके ऊपर FIR है और आपका केस पेंडिंग है। और दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सविता रॉय, जिनके ऊपर मैं चार्जशीट तक जमा हो चुकी है, मेरे केस में FIR SC ST के अंदर हुआ और चार्जशीट तक जमा है कोर्ट में, तो उसको अभी तक आपने वहाँ बिठाए रखा है, वो वहाँ वहाँ है और हम बाहर हैं। और क्यों? क्योंकि ये जो जाति है ये कभी नहीं जाती, ये सिर्फ और सिर्फ जाति है, क्योंकि जो जाति से ऊपर है वो अंदर है और उसको संरक्षण मिल रहा है, वाइस चांसलर उनकी मदद कर रहे हैं और सब बैठ के उनकी मदद कर रहे हैं, और वहाँ पे वो क्रिमिनल बैठी है, और आए दिन पता नहीं कितने दलित आदिवासियों का भोजनों का वो गला काट रही है वहाँ बैठे, और वहाँ पे जो साजिश चल रही है वो तो चलेगी। 28 तारीख को मैं 12:30 बजे से उस प्रोटेस्ट पे बैठ रही हूँ, या फैसला बहुजन समाज करेगा, या वो वहाँ रहेंगी, या आपको अपनी बहुजन बच्ची चाहिए, ये फैसला मेरा समाज करेगा। 7 दिन होगा, देखना होगा जीवित तो आ जाइएगा, अगर फोटो में देखना होगा तो वो आप बता दीजिएगा, क्योंकि हमारा समाज ना 13वीं पे आता है, खुल के तब नंबर लगते हैं कि किसने कौन चला गया और कौन नहीं आया। जीते जी जब आपको कोई कहता है कि मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूँ तो आप उठ के नहीं आते, तो अब मैं भी देखूंगी बड़ा बड़ा भाषण देने वाले, बड़े बड़े नंबर लगाने वाले, कितने मेरे समाज के नेता आकर असल में मेरा साथ देते हैं। ये मेरी आप सबसे अपील है, अभी भी मैं हाथ जोड़कर अपील करूँ कि अपनी बच्ची का साथ दो, अपने बच्चों का भविष्य बचाओ। शुक्रिया।